हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो 5 बजे से ही मैंने अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने देखो टाइम दिखाया था आपको, 4:57 जो है हो रखे थे। उसके बाद मैंने दिखाया था बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। मतलब अभी थोड़ी थोड़ी ओस भी होने लग गई है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं निकल अंदर, रोशनी नहीं हो रखी थी अच्छे से, मतलब अंधेरा हो रखा था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो है मैं गई, पहले सबसे पहले मैंने ब्रश करा, मुँह हाथ वगैरह धुला अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले किचन में लगा एक झाड़ू। फिर वैसे तो मैं गैस को अच्छे से रात को ही क्लीन करके साफ़ वाफ करके सोती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अच्छे से गैस को साफ़ किया, कपड़ा वगैरह लगाया। एक साइड में मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी थी और दूसरी साइड में जो है मैंने खीर चढ़ा दी थी, क्योंकि मैंने प्रॉपरली कोशिश की कि जितना हो सके जल्दी हो जाए। फटाफट से ये 2 कटोरी में मैंने चाय निकाली थी। पता नहीं यार, मेरी आँख तो खुलने में बल्कि थोड़ा टाइम लग जाता है। 4:30 का अलार्म लगा रखा था, लेकिन मैं 5 बजे पूरे उठ गई थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को जाके लगभग 5:15 पे मैंने चाय दी, और जैसे ही मैंने उन्हें चाय दी ना, मैंने सिर्फ एक बार हाथ लगाया और मैंने उन्हें बोला कि ये टाइम हो गया, और वो ना एकदम से उठ के बैठ गए। पता नहीं यार वो किस तरीके से एकदम से उठ जाते हैं। तो यहाँ पे चावल जो थे ना मेरे, मैंने 2 सिट्टी लगाई थी, और मैं ना इस तरीके के चावलों को गला लेती हूँ। मतलब मैं सिट्टी लगा के पहले चावलों को गलाती हूँ, उसके बाद जो है दूध दूध में पकाती हूँ। लगभग 3 से 3.5 घंटे जो है मेरी खीर पकी है आराम से, हल्के कम गैस पे करके मैंने रख दी थी। मैंने जैसे ही मैंने खीर चढ़ाई, चाय पी, सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू, पूरे घर में पोछा लगाया। लगभग 6:30 बजे जो है मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था। मैंने बताया था रात में, बाबू भी 5:30 बजे उठ गया था। जब मेरा सारा पोछा लग गया था, बस गैलरी में रह गया था। पता नहीं यार ऐसे क्यों होता है इस टाइम पे, कि मतलब जिस दिन भी मुझे कोई काम वगैरह होगा ना तो बच्चा जल्दी उड़ जाएगा, और फिर ये उड़ गया था। बस इसने थोड़ी देर दूध वूध पी के फिर ये अपना फ़ोन वोन चलाने लग गया था। मैंने कहा चलो भाई देख लो। तो यहाँ पे मैं भी रेडी वेडी होके आ गई थी। खीर में मैंने सब कुछ डाल के अच्छे से चला के छोड़ दिया था। तो मैं दिखा रही थी, मैंने पहना था नया सूट, और मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? तो यार कभी कभार अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए, ऐसे रेडी हो जाना चाहिए, अच्छा लगता है। आज मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जो है कॉम्प्लीमेंट किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैं तो 5 बजे से उठी हुई हूँ, और 5 बजे से मैंने सब कुछ काम वगैरह ख़त्म कर लिया। 6:30 जो है मेरा खाना पीना वगैरह, मतलब साफ सफाई, खीर और रोटी सब कुछ बन गया था। तो मैं तो फाइनली रेडी हो गई। मतलब खीर मैंने पहले बना दी थी, लेकिन रोटी मैंने जो है बाद में बनाई है। तो मैं तो रेडी हो गई, और आज मैंने ना नए वाला सूट पहना है, अच्छा लग रहा है ना? और जब नए वाला सूट पहना है तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के नाम का ये भी पहन लिया, मंगलसूत्र। और ये नए वाला जो है चूड़ा पहना है मैंने, नया तो नहीं है, पुराना है। जब भैया की शादी हुई थी ना, भैया की शादी में लिया था। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो खीर जो है मेरी बन गई थी, और ये देखो इतनी गाढ़ी हो गई थी, उतार के मैंने गैस से रख दी थी। हालांकि मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया था, ये और ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी उस टाइम तक। पूजा करी हमने 8:30 बजे तक, दीदी और आए थे। तो पता है मैं आप लोगों को बता रही थी, मैंने ना सूट वगैरह पहना कभी कभार जब मैं ऐसे रेडी होती हूँ। तो पड़ोस में आज मुझे 3-4 लड़कियों ने, मतलब जो हैं बच्चे, उन लोगों ने मुझे बोला है, मतलब इस तरीके से कि चाची रोज ऐसे ही रहा करो, कितने अच्छे लग रहे हो, ऐसे मेकअप वगैरह करके रहा करो। और बिल्कुल आपको, एक लड़की ने तो ये बोला है कि 9 दिन तक अब आपको ऐसे ही रहना है। और यहाँ पे बाबू की भी पसंद शुरू हो गई थी कि मुझे ये पहनना है, ये पहनना है। तो चलो ये भी दिखाती हूँ मैं। तो ये वाले पहन लो, ये इन्नी चोने है, इन्नी चोनी ड्रेस। मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, तो ये वाले पहन लो। ये वाले डैडू लाए थे, ये वाले। यहाँ से क्यों जा रहे हो? अच्छा चलो पहनाऊंगा, आ जाओ। अच्छा जो आप बोलोगे बता दो, बस कौन से पहनने बताओ, उनमें से सिर्फ मेरी समझ नहीं आ रहा, बता दो कौन से पहनने। चलो बताओ कौन से, ये वाले पहनने हैं।
गई तुम? मम्मा ये देखो कर लो। तुम मेरे बाबू को क्या कह रहा है? मम्मा ने तो दवाई हेलो कर दो, ऐसे बोल दो हेलो। मम्मा चलो देखो भाई जल्दी मेरे बाबू को हेलो बोल दो। हेलो हेलो ऐसे बोलो हेलो गाइस। तो मैं बता रही थी 6:30 बजे जब मेरे हस्बैंड गए पूजा करके, तो मैंने उन्हें एक लोटा पानी का दिया, मतलब मैंने निकाल के रखा हुआ था जैसे ही वो पूजा करके आए किचन में। वो खुद भी पानी लेने आए थे, उन्होंने कहा पानी, मैंने कहा ये रखा है, मैंने कहा अपने पापा के नाम का दिया ना। तभी मेरे अचानक से बैठे बैठे याद आया मेरी बहन के बारे में, तो वो 29 जून में एक्सपायर हो गई थी और मुझे अचानक से उसकी याद आई बैठे बैठे। तो मैं भी 2 लोटे पानी के दे के आई थी ऊपर। लड़कियां जो है नहीं दे सकती, दे सकती है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि मेरा मन था कि मैं अगर अपनी बहन के लिए कुछ इस तरीके का कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 थाली में जो है प्रसाद भी निकाल दिया था और फिर पूजा भी करके आ गए थे हम। जैसे ही हम लड़कियां जी मारते लगभग 9 बज गए थे शायद, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बाबू भी आ गया था, और मैंने यहाँ पे 6 कटोरियों में निकाला था और भी बच्चे बैठे थे बहुत सारे। उनसे मैंने पूछा खीर कैसी बनी, कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। खीर कैसी बनी है? बस एकदम।